गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास 10 द चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर हिस्ट्री पोर्शन रिटेलिशन एंड द स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्राइबल एंड द पीसेंट मूवमेंट्स ऑफ द राजस्थान इन विच आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द फेमस ट्राइबल सॉरी पीसेंट मूवमेंट द बिजोलिया पीसेंट मूवमेंट which was the longest peasant movement of the whole India and how the movement was conducted and the lead by the Vijay Singh Pathik and the many other things we came to know about the conditions of the farmer in Rajasthan. So it is very clear students that the peasant's condition in Rajasthan is very worse condition. तो कहने का मतलब बच्चों कि राजस्थान के अंदर पीसेंट्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बदतर बहुत ही बुरी कंडीशन थी. दे हैव टू पेड अ हैवी रिवेन्यू बेगार एंड द लैंड रिवेन्यू कलेक्शंस वाज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द आल्सो जागीरदार्स. तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से जागीरदार जो थे जो बड़े बड़े ठाकुर थे वो पीसेंट्स और या जो अपने ठिकाने के जो फार्मर्स थे उनके साथ किस तरह से उनको एक्सप्लोर कर रहे थे उनसे हैवी रिवेन्यू कलेक्शन किया जा रहा था. एंड ये भी हमने पढ़ा कि किस तरह से आर्मी ओपन फायर कर कर फार्मर्स को मार रही थी. एक ही मूवमेंट में हमने ये देखा. इसके साथ में हमने बिजोलिया मूवमेंट भी कंप्लीट कर लिया है. टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंटिन्यू दिस सब टॉपिक ऑफ द पीसेंट मूवमेंट एंड ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यू मोर पीसेंट्स मूवमेंट ऑफ द राजस्थान. So start the topic. First topic of the Rajasthan's peasant movement is the Sikar peasant movement. अब बच्चों सीकर जयपुर के पास में पड़ता है, ठीक है? राजस्थान का एक छोटा सा कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम थी. बच्चों ध्यान रखिएगा कि पीसेंट मूवमेंट जितने भी आप चाहे इंडिया लेवल पर पढ़ रहे हैं चाहे आप राजस्थान लेवल पर पढ़ रहे हैं लेकिन सबके जो रीजन थे वो कॉमन रीजन है. कॉमन रीजन में वही है कि हैवी टैक्स कलेक्शन द हाई रेट ऑफ द रिवेन्यू बेगार लगान ये सारी चीजें, ठीक है ना? तो आपके अगर कभी भी क्वेश्चन आता है पीसेंट मूवमेंट का तो याद रखिएगा चाहे कोई भी पीसेंट मूवमेंट रखे हैं आपको लेकिन उसमें आपके जो रीजंस हैं वो हमेशा ही कॉमन ही रहेंगे क्योंकि बेसिकली फार्मर्स की जो प्रॉब्लम थी वो टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड ही थी, ठीक है? तो यहाँ पर आज हम लोग सीकर पीसेंट मूवमेंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. सीकर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है अपने राजस्थान का. अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम थी जो हमने बाकी पीसेंट मूवमेंट में पढ़ी है. तो देख लेते हैं क्या रहा यहाँ का पीसेंट मूवमेंट. तो देखिए राजा कल्याण सिंह इंक्रीज रिवेन्यू बाय 25 to 50%. अब सीकर के जो जागीरदार थे जो रूलर थे उन्होंने 25 से 50% तक रिवेन्यू को इंक्रीज कर दिया, ठीक है? तो बच्चों आप लोग ये तो सोच ही सकते हैं कि आपकी इनकम का अगर 50% पार्ट एज अ ओनली रिवेन्यू चला जाए तो पीछे आपके पास कुछ नहीं बचता क्योंकि वहां पर आपकी सेविंग्स एंड हो जाती है और मैं तो ये कहूंगी कि आपकी बेसिक नीड भी पूरा नहीं हो पाती. तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 25 से 50% तक इंक्रीज कर दिया गया रिवेन्यू टैक्स को जिससे फार्मर्स की कंडीशन जो थी बहुत ज्यादा खराब हो गई. आगे आप देखेंगे इन लीडरशिप ऑफ द लीडिंग रोल था वो कौन कर रहे थे? राम नारायण चौधरी जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया. और इसके अलावा लंदन बेस्ड न्यूज़पेपर दैनिक हेराल्ड पब्लिश आर्टिकल ऑन द सपोर्ट. अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी बच्चों कि लंदन से एक न्यूज़पेपर जो था वो प्रिंट होता था या पब्लिश होता था जिसका नाम था डेली हेराल्ड. इस इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़पेपर के अंदर ये सीकर पीसेंट मूवमेंट से रिलेटेड फार्मर्स जो मूवमेंट कर रहे थे उसके बारे में लिखा गया. अब आप ही सोच लीजिए बच्चों कि जब कोई चीज इंटरनेशनल लेवल पर कोई इशू चला जाता है तो वो पूरी दुनिया की नजर में आ जाता है. तो इसी कारण सीकर पीसेंट मूवमेंट जो था अचानक से ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर फैल गया. पूरी दुनिया को ये पता चलने लगा कि किस तरह से इंडियन फार्मर्स को ये ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, किस तरह से फार्मर्स परेशान हो रहे हैं और इंडिया के अंदर जो रिवेन्यू है वो किस तरह से रिगिड पे के अंदर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? और इसी के साथ में
आगे जो कह सकते हैं कि 1931 राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड. ये मूवमेंट 1931 के अंदर राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की लीडिंग के अंदर स्टार्ट किया गया. ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है लीडर कौन थे, राम नारायण चौधरी. और इसका जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था, आपको था राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा. मूवमेंट स्टार्ट कर हुआ 1931 के अंदर. आगे बात करते हैं, अ फार्मर नेम छोटू राम सेंड अ टेलीग्राम टू द जयपुर महाराणा वार्निंग ही फॉर द मूवमेंट. अब यहाँ पर ये हुआ कि बच्चों कि यहाँ के सीकर के जो पीसेंट थे उनमें से एक पीसेंट था जिसका नाम छोटू राम था. इस छोटू राम ने जयपुर के महाराणा को एक टेलीग्राम भेजा, मैसेज किया कि अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई, रेवेन्यू को कम नहीं किया गया, जो इंक्रीज किया गया है, तो सारे फार्मर जो है सीकर के वो महाराणा के खिलाफ क्या करेंगे, पीसेंट मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जयपुर के महाराणा को वार्निंग दी गई कि कोई ना कोई एक्शन लिया जाए. ठीक है, लेकिन 25 अप्रैल 1934 इन द लीडरशिप ऑफ द किशोरी देवी अ वुमन मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द तिरुत्तराखल. ये बच्चों ध्यान रखिएगा, राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था 25 अप्रैल 1934. पूरे राजस्थान के अंदर और बेसिकली सीकर के अंदर एक बहुत बड़ी महासभा बुलाई गई. एक कह सकते हैं कि कई सारी जितनी भी वुमेन थी उन वुमेन को इकट्ठा किया गया, असेंबल किया गया. और यहाँ पर ये भी बता दें बच्चों कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ अबाव की तादाद के अंदर यहाँ पर वुमेन जो थी वो इकट्ठा हुई इस असेंबली में. जो किशोरी देवी थी इन्होंने सारी वुमेन को एड्रेस किया और साथ में ये जो मीटिंग थी ये कहाँ हुई, कटरा थल के अंदर. और इसके अलावा राजस्थान के जितने भी फेमस रिवॉल्यूशनरीज थे उनकी जो वाइफ थी वो भी इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने अपना लीडिंग जो रोल था वो निभाया. ठीक है, इसके बाद देखिए 34 को तो यहाँ पर किशोरी देवी की लीडरशिप में एक मूवमेंट की मीटिंग्स बुलाई गई थी. और 35 एक साल बाद द पीसेंट रिफ्यूज टू पे कैश, पुलिस स्टार्टेड ओपन फायर ऑन पीसेंट्स एंड 1935 मोस्ट डिमांड्स ऑफ द फार्मर वर एक्सेप्टेड. अब देखिए बच्चों 25 अप्रैल 1935 को फार्मर्स ने टैक्स पे करने से पूरी तरीके से मना कर दिया. ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी भेजी गई. इस ब्रिटिश आर्मी ने ओपन फायर किया, कई सारे पीसेंट्स मारे गए. लेकिन जब ये सीकर पीसेंट मूवमेंट हर नेशनल लेवल पर लोगों की बड़े बड़े लीडर्स की नज़र में आने लगा तो वहाँ के जो रूलर थे उनको ये लगा कि अगर कंडीशन को हैंडल नहीं किया गया तो और ज़्यादा हालात बिगड़ जाएंगे, कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी. इसीलिए 1935 के अंदर मोस्टली जो डिमांड्स थी पीसेंट्स की वो एक्सेप्ट कर ली गई और इस तरह से 1935 में ये मूवमेंट खत्म हो गया. तो देखिए बच्चों ये मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, 1931 के अंदर, और खत्म कब हो रहा है, 1935 के अंदर. तो इस तरह से ये सीकर पीसेंट मूवमेंट था जो कि कह सकते हैं कि जयपुर के अंदर में ये छोटी सी रियासत थी उस समय, किस तरह से यहाँ पर 50% तक रिवेन्यू इंक्रीज कर दिया गया, फार्मर्स बहुत परेशान हो गए थे. और इस तरह से ये राम नारायण चौधरी की लीडरशिप में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. और इस मूवमेंट को सपोर्ट किसने किया, तो ये किया था राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा ने. तो ये सीकर मूवमेंट हमारा ये टॉपिक खत्म होता है बच्चों. सेकेंड जो टॉपिक है ये भी हमारा पीसेंट मूवमेंट है जिसमें हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़. आप देखिए बच्चों बैगू छोटा सा गांव है और किसी समय में चित्तौड़गढ़ की एक बहुत ही छोटी सी रियासत हुआ करती थी. यहाँ पर भी पीसेंट जो थे वो सेम कह सकते हैं कि रीजन थे कि एक्सेसिव टैक्स कलेक्शन, बेघर, रिवेन्यू, लगान्स, इन सब से बहुत परेशान थे. यहाँ पर भी जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन सेम वैसी थी जैसे हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पर हम लोग बैगू पीसेंट मूवमेंट जो है वो पढ़ रहे हैं और ये जगह कहाँ आई हुई है, चित्तौड़गढ़ के अंदर आया हुआ है. ठीक है, अब देखिए बच्चों 1921 एक्सेसिव लैंड रिवेन्यू अदर टैक्सेस बेगर वर मेन रीजन ऑफ दिस मूवमेंट. तो यहाँ पर भी वही कॉमन चीज है, आपको ध्यान रखना है कि इस मूवमेंट के भी मेन रीजन वही थे जो कॉमनली अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं. इसके अलावा बच्चों एक चीज और ध्यान रखें कि राजस्थान में जितने भी मूवमेंट्स हुए वो सारे के सारे मूवमेंट जो है
बिजोलिया मिशन मूवमेंट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। इसके अलावा आप लोग पढ़ चुके हैं 1915-1916 के अंदर, अगर आपको याद हो तो खेड़ा आंदोलन जो हुआ था, जो खेड़ा पीसन मूवमेंट हुआ था, जो गांधी जी की लीडरशिप में हुआ था। तो इस तरह से इंडियन नेशनल लेवल पर भी जो पीसन मूवमेंट्स हुए थे, इन सारे पीसन मूवमेंट्स से कह सकते कि इंस्पायर्ड होकर राजस्थान के अंदर भी फार्मर्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी डिमांड्स को मनवाएंगे, और उसके लिए इन लोगों ने मूवमेंट करने का, क्रांति या विरोध करने का रास्ता चुना। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन रीजन वही है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। आगे देखें, द वेपन ऑफ राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी लीड द मूवमेंट एंड राम नारायण वाज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ द राजस्थान सेवा संघ। अब बच्चों, ये राजस्थान सेवा संघ है क्या? राजस्थान में, या ये कह सकते हैं कि राजस्थान लेवल पर पीसेंट्स की डिमांड को ब्रिटिशर्स तक, या वहां के जो महाराणा या राजा महाराजा होते थे उन तक डिमांड्स को पहुंचाने का काम, और साथ में मूवमेंट को सपोर्ट करने का काम करते थे ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे बनाए गए थे, जिसमें अभी हमने यहाँ पर पढ़ा राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ से आप समझ सकते हैं कि ये जो संघ था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, पीसेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। पीसेंट्स की डिमांड को रूलर्स, ब्रिटिश रूलर्स तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ये संघ बनाए गए थे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 1921 के अंदर पीसेंट्स की जो ये प्रॉब्लम थी वो सामने आई, इसी को ध्यान में रखते हुए विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी की लीडरशिप में राजस्थान सेवा संघ ने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप राजस्थान सेवा संघ याद रखेंगे, और इनके जो मेंबर थे, एक तो विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी, जिन्होंने इस बेगू पीसेंट मूवमेंट को आगे कंटिन्यू किया, और साथ ही राम नारायण चौधरी को राजस्थान सेवा संघ का क्या बना दिया गया, चेयरपर्सन या मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आफ्टर टू इयर्स द ठाकुर रावत अनूप सिंह एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स एंड बट द मेवाड़ गवर्नमेंट रेजिडेंट डिडंट अप्रूव। अब देखिए बच्चों, 1921 के अंदर फार्मर्स ने अपनी डिमांड रखी, लेकिन आफ्टर टू ईयर द महाराणा ऑफ द बेगू, जिसका नाम है ठाकुर रावत अनूप सिंह, इन्होंने तो फार्मर्स की डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन सुप्रीम अथॉरिटी जो थी, ब्रिटिश रूलर जो थे, उन्होंने इस डिमांड को अप्रूव करने से मना कर दिया। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो डिमांड थी, ये मेवाड़ के महाराणा के हाथ में भी नहीं था कि वो इसको, फार्मर्स की डिमांड को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन बाद में जब ये बेगू मूवमेंट और ज्यादा कह सकते हैं कि बढ़ने लगा, तब देखिए आप, द कमीशन वाज मेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द मेवाड़ एडिशनल कमिश्नर ट्रेंच। अब बच्चों देखो कि यहाँ पर मेवाड़ के अंदर एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे। ठीक है, इसमें से एक कमिश्नर थे जिनका नाम था ट्रेंच, इनकी लीडरशिप में एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने पहले तो सारी फार्मर्स की प्रॉब्लम के बारे में विचार किया, डिस्कशन किया, और उसके बाद में कह सकते हैं कि इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो ब्रिटिश रूलर्स के सामने रखी, और इस तरह से 13 जुलाई 1923 द फार्मर हैड टू फेस फायरिंग एंड रूपाजी एंड दीपाजी धाकड़ वर किल्ड। अब देखिए 13 जुलाई 1923 की बात है, यहाँ पर फार्मर जो थे ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए, यहाँ के ठाकुर को अपोज करने के लिए यहाँ पर असेंबल हुए थे। ठीक है, लेकिन बाद में आर्मी ने इन फार्मर्स के ऊपर ओपन फायर किया, जिसमें रूपाजी और कृपाजी जो कि दो फार्मर्स थे, इनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, अभी तक हमने कई सारे पीसेंट मूवमेंट ऐसे देखे हैं जहां पर आर्मी ओपन फायर कर रही है बिना कंडीशन को समझे, बिना लोगों की मजबूरी को समझे, और कई सारे बेगुनाह फार्मर्स, वुमेन, चिल्ड्रन जो है इस पीसेंट मूवमेंट के अंदर मारे जा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडियंस की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं की। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने तो हमेशा से प्रॉब्लम्स को इंक्रीज किया था, क्योंकि शुरू से ये ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया आई, और बाद में इसका तो मेन एम ही यही था कि इंडिया से कितना धन हम लोग, कितनी वेल्थ जो है हम इंग्लैंड ले जा सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना पैसा इन्होंने इंडिया से कह सकते हैं कि निकाला, एग्जिट किया, और ये लोग इंग्लैंड ले गए। ठीक है, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि
कि कोई मर रहा है या जी रहा है। तो ये कंडीशन थी यहाँ की। 10 सितंबर 1923 द पथिक वाज अरेस्टेड एंड वुमेन वाज हैंगड। अब यहाँ पर आप समझिए बैंक ऑफ पिसेन वुमेन 1921 में स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जो थे रावत अनूप सिंह इन्होंने भी एग्री कर दिया। बाद में ट्रेंच कमीशन भी बन गया, लेकिन इस कमीशन ने थोड़ी बहुत डिमांड फार्मर्स की मानी और बाद में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ओपन फायर किया गया, फार्मर्स मारे गए। लेकिन बाद में 10 सितंबर 1923 को पथिक विजय सिंह पथिक को अरेस्ट कर लिया गया। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी मूवमेंट का लीडर ही ना रहे तो वो मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस कारण से 1923 के बाद में जैसे ही पथिक अरेस्ट हुए तो ये मूवमेंट भी खत्म हो गया। तो आप ये कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर बैंक ऑफ पिसेन मूवमेंट के अंदर टोटली फार्मर्स की कोई भी डिमांड जो थी वो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं की। फार्मर आगे भी इसी तरह से सफर करते रहे, हाई रेवेन्यू उनको देना पड़ता था। ठीक है, तो ये था आपका बैंक ऑफ पिसेन मूवमेंट। लीडर्स आपको ध्यान में रखने हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बीच में आ रहा है तो वो भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों बरड़ पिसेन मूवमेंट बूंदी के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है बरड़ एक छोटी सी कह सकते हैं कि गांव विलेज था, बूंदी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ देखें कि यहाँ पर भी हम लोग कॉमन रीजन ही जो है इस मूवमेंट के वही डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जो मेन रीजन है एक तो बेकार एंड हाई रेट ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पर जो पिसेंट्स थे उनसे बेकार वसूल करवाया जा रहा था। बेकार बच्चों मैं बता चुकी हूँ द वर्क विदाउट द फोर्सफुल वर्क विदाउट गिविंग पेमेंट, किसी से जबरदस्ती बिना पेमेंट के काम कराना बेकार होता है। तो यहाँ पर यहाँ के जो फार्मर्स थे वो तो एक तो बेकार सिस्टम से परेशान थे और सेकंड थिंग क्या थी, सेकंड थिंग की हाई रेट ऑफ टैक्सेस। तो इस तरह से ये बरड़ पिसेन मूवमेंट बूंदी में स्टार्ट हुआ और साथ में हम लोग बच्चों देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये मूवमेंट भी राजस्थान के अंदर एक बहुत ही अपनी अलग पहचान रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं 1922 द लीडरशिप ऑफ द मेनोराम शर्मा। अब बच्चों आपको यहाँ पर ये लीडर का नाम ध्यान में रखना है, बरड़ पिसेन मूवमेंट बूंदी लीडरशिप कौन कर रहा था, नैनोराम शर्मा ऑफ द राजस्थान सेवा संघ। अब ये राजस्थान सेवा संघ जस्ट अभी हमने यहाँ पर पढ़ा तो मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान सेवा संघ जो था ये पीसेंट के जितने भी राजस्थान में पीसेंट मूवमेंट चल रहे थे उनको सपोर्ट करने के लिए बनवाया गया था। और साथ में इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो ये था कि फार्मर्स की डिमांड को ब्रिटिशर्स के सामने डायरेक्टली रखना। ठीक है, तो यहाँ पर नैनोराम शर्मा जो कि राजस्थान सेवा संघ के मेंबर थे इन्होंने बरड़ मूवमेंट को लीड किया। आगे देखते हैं The movement was started and the meeting of the farmer men at the Tapi village, but army opened fire under the leadership of the Ikram Hussain. अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी वही चीज हुई जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। फार्मर्स ने एक मीटिंग अपनी बुलाई थी, यहाँ पर ये फार्मर्स जो थे गैदर्ड हुए इकट्ठा हुए थे ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आर्मी है उसने ओपन फायर किया। उस आर्मी का जो लीडर था वो था इकराम हुसैन, इसके ऑर्डर पर ओपन फायर किया गया और फार्मर्स मारे गए। कौन कौन मारे गए तो बच्चों देखिए यहाँ पर नानक जी भील एंड देवलाल गुर्जर वर के, यहाँ पर भी दो लोग जो है वो इस ओपन फायर के अंदर इनकी डेथ हुई। और ऊपर भी बच्चों हम लोग बरड़ पिसेन मूवमेंट में देख चुके हैं कि रूपा जी एंड कृपा जी धाकड़ ये दो फार्मर्स भी बरड़ के अंदर ओपन फायर में इनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से बेगुनाह जो फार्मर्स थे जो सिर्फ अपनी डिमांड को लेकर असेंबल हुए थे मीटिंग कर रहे थे वहां पर इनके ऊपर किस तरह से फायर किया गया और ये लोग मारे गए। आपको बच्चों यहाँ पर मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नानक जी कौन थे, रूपा जी कौन थे, कृपा जी कौन थे, इनका पिसेन मूवमेंट से क्या लेना देना है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ओपन फायर किया गया जिसमें बरड़ के अंदर तो रूपा जी और कृपा जी की डेथ हो गई और इसके अलावा सॉरी बैंकों के अंदर और बरड़ के अंदर हम बात करें तो डाबी विलेज के अंदर जो है पिसेंट्स की मीटिंग बुलाई गई, यहाँ पर ओपन फायर किया गया और यहाँ पर नानक जी और देवलाल गुर्जर जो है वो कह सकते हैं कि ओपन फायर में मारे गए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 1927 AD द राजस्थान
राजस्थान सेवा संघ जो था इसके अंदर जो मेंबर थे, ठीक है, एक आपस में मेंबर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कुछ झगड़े चल रहे थे, जिसके कारण राजस्थान सेवा संघ को 1927 के अंदर बंद कर दिया गया। और जैसे ही सेवा संघ बंद हुआ, उसी के साथ में ये जो भारत पीस एंड मूवमेंट है ये भी बंद कर दिया गया। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर भी फार्मर्स की डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पाई। हालांकि नैनूराम शर्मा जो थे, इन्होंने कुछ हद तक इस मूवमेंट को लीड किया, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये मूवमेंट फार्मर्स का अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ जो है वो किसी म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट के कारण बंद कर दिया गया। ठीक है, तो बच्चों ये भी ध्यान रखना आप लोग कि राजस्थान सेवा संघ राजस्थान लेवल पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर राजस्थान में कई सारे बड़े लीडर्स जुड़े हुए थे, जिसमें अपना भी बात की विजय सिंह पथिक है, राम नारायण चौधरी है, नैनूराम शर्मा है, इनके नाम आप आगे जब हम लोग राजस्थान प्रजा मंडल डिस्कस करेंगे तब भी आप पढ़ेंगे। और हमने कल की क्लास में एक बार ये भी पढ़ा था कि किस तरह से बिजोलिया पीसन मूवमेंट को 1916 से लेकर कंटिन्यूटी के अंदर विजय सिंह पथिक ने लीड किया था और बहुत सारी सक्सेस भी विजय सिंह पथिक को मिली थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि कौन कौन लीडर किस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। आगे हम बच्चों बात करेंगे द निमोचना पीसन मूवमेंट अलवर। निमोचना पीसन मूवमेंट, निमोचना एक छोटा सा विलेज है बच्चों, अलवर के अंदर आया हुआ है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट पीसन मूवमेंट यहाँ पर बन जाता है। क्यों है इम्पोर्टेंट, तो वो इस टॉपिक के एंड पे हम जानेंगे कि ऐसा क्या खास था जिसके कारण निमोचना पीसन मूवमेंट हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि निमोचना पीसन मूवमेंट जो है ये जगह निमोचना आई हुई है अलवर के अंदर। अब बात करते हैं, अभी तक बच्चों जो भी हमने पीसन मूवमेंट देखे उसके मेन रीजन की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि पीसन मूवमेंट्स के क्या रीजन थे, लगान, बेगार, हाई टैक्स ऑफ रिवेन्यू, ये सारी चीजें। लेकिन निमोचना पीसन मूवमेंट जो है ये फार्मर्स का ऐसा अकेला पीसन मूवमेंट था जो कि हाई रिवेन्यू, लगान, टैक्स, बेगार के अगेंस्ट में नहीं था। इसका रीजन बिल्कुल हटकर था। अब बिल्कुल हटकर कौन सा रीजन था, तो देखिए बच्चों अलवर के अंदर यहाँ पर पिक्स जो है, पिक्स समझ रहे होंगे, सुअर, ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मिलते हैं। अब ये क्या होता था उस समय कि जैसे ही फार्मर्स अपना कल्टीवेशन करते थे, बीज बोते थे, थोड़ी बहुत फसल उगाती थी, तो ये सुअर जो है, ये पिक्स जो है, इनके फार्म्स को, इनकी जो कल्टीवेशन है, जो हार्वेस्ट इनका होता था, उन खेतों को खराब कर देते थे, पूरी फसल इनकी फार्मर्स की जो है वो बर्बाद हो जाती थी। तो कहने का मतलब फार्मर्स बड़ी मेहनत करकर जो ये फसल उगाते थे ये पिक्स जो है बर्बाद कर देते थे, जिसके कारण अलवर के ये जो निमोचना के जो पीसेंट थे इन्होंने ये तय किया कि क्यों ना खेत के आसपास या विलेज के अंदर जितने भी पिक्स हैं उनको मार दिया जाए। तो फार्मर्स ने इन पिक को मारना शुरू किया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि निमोचना विलेज के अंदर जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल बचाने के लिए, है ना, अपने हार्वेस्ट को पिक्स से सिक्योर करने के लिए पिक्स को मार रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिक्स के मारने पर कह सकते हैं कि रोक लगा दी। ठीक है, जिसके कारण फार्मर्स नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले ये डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखी थी कि बहुत ज्यादा नुकसान पिक्स के कारण उनके फसलों के अंदर हो रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं सुनी। तो आप यहाँ देखते हैं कि निमोचना पीसन मूवमेंट पहली चीज तो क्यों अलग है, क्योंकि इसका रीजन बहुत ही डिफरेंट है। तो देखिए बेटा, किलिंग ऑफ पिक्स वाज बैंडेड इन अलवर एज पिक डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स ऑफ फार्मर द बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट इन द 1921। तो बच्चों एक तो आप लोग ईयर याद रखेंगे, 1921 के अंदर फार्मर्स ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अलवर गवर्नमेंट ने पिग्स को मारने पर बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी, लेकिन फार्मर्स का बहुत ज्यादा ये जो पिग्स थे ये डिस्ट्रॉय कर रहे थे फार्मर्स की क्रॉप के कारण, इसीलिए फार्मर्स इसके अगेंस्ट थे। फार्मर्स का कहना था कि इन पिग्स को मार दिया जाना चाहिए। ठीक है, द न्यू टैक्स रिवेन्यू सिस्टम वाज इंपोज्ड इन 1923 और 1924। और दूसरी चीज क्या की गई अलवर के अंदर, यहाँ पर निमोचना विलेज के अंदर बच्चों जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने यहाँ पर न्यू टैक्स सिस्टम स्टार्ट किया, नया टैक्स रिवेन्यू सिस्टम
स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, तो 1923-24 के अंदर। अब इस सिस्टम के अंदर कई सारे बड़े चेंजेस किए गए, रिवेन्यू और टैक्स कलेक्शन को बढ़ा दिया गया। और अभी हमने पढ़ा है बच्चों कि पिक्स के कारण जो फार्मर्स थे उनकी जो कह सकते हैं कि जो कल्टीवेशन था वो ऑलरेडी बर्बाद हो रहा था, तो ऐसी कंडीशन में फार्मर्स के लिए ये डबल प्रॉब्लम थी कि एक तो रिवेन्यू सिस्टम चेंज कर दिया गया जिसके कारण रिवेन्यू बढ़ा दिया, और दूसरा जो है इन्होंने पिक्स को मारने पर भी क्या कर रखा था, बैन कर रखा था। तो इसी कारण बाद में इसके अगेंस्ट के अंदर ये मूवमेंट पीसेंट्स ने स्टार्ट किया। आगे देखते हैं, टू ऑपोजिट दिस सिस्टम फार्मर्स गैदर्ड इन ट्रूथ्स का, द आर्मी सराउंडेड द फार्मर एंड ओपन फायर ऑन देम इन द लीडरशिप ऑफ द छजूस सिंह एंड 156 पीपल वर डाइड। अब यहां पर भी बच्चों देखिए कितनी कॉमन चीज आ गई है, फार्मर्स अपोज कर रहे थे, फार्मर्स इकट्ठा हुए थे, डिस्कस कर रहे थे, और ऐसे में आर्मी ने इस फार्मर्स को की असेंबली को चारों तरफ से घेर लिया और ब्रिटिश आर्मी ने जो है वो ओपन फायर करना स्टार्ट किया। इस आर्मी या इस ट्रूप का जो लीडर था उसका नाम छज्जू सिंह था। छज्जू सिंह के ऑर्डर पर पूरी आर्मी ने शूट आउट करना शुरू किया और टोटल 156 फार्मर जो है 156 पीसेंट इस कह सकते हैं कि मैस्कर में मारे गए। अब बच्चों आप याद कीजिए 1919 जलियांवाला बाग मैस्कर, जनरल डायर जिसने ओपन शूट आउट किया और इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे बेकसूर लोग जिसमें औरतें और छोटे बच्चे भी थे मारे गए। इसीलिए निमोशना पीसेंट मूवमेंट को भी हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर सेकेंड जलियांवाला बाग मैस्कर कहा गया, या ये कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग मैस्कर से किस पीसेंट मूवमेंट की का कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर निमोशना पीसेंट मूवमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है बच्चों क्योंकि राजस्थान का ये मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जिसकी कंपैरिजन जलियांवाला बाग मैस्कर से किया जाता है, जहाँ जिस तरह से जलियांवाला बाग के अंदर बेकसूर लोग मारे गए थे ओपन फायर में, उसी तरह से यहाँ निमोशना के अंदर भी ओपन फायर किया गया, बेकसूर फार्मर्स 150 फार्मर्स मारे गए जिसके कारण इसको जलियांवाला बाग मैस्कर से कंपेयर किया गया था। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, गांधी जी का न्यूज़पेपर था यंग इंडिया में इस निमोशना मैस्कर को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही का, ठीक है आपको याद होगा जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग के अंदर जिसकी कमांड में ओपन फायर किया गया था और यहाँ पर भी ओपन फायर किया गया था छज्जू सिंह की लीडरशिप में, इसीलिए इसको दोहरी डायर शाही का। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, तो देखिए बच्चों दिस मैस्कर वाज कंपेयर्ड विद द जलियांवाला बाग मैस्कर एंड गांधी जी कॉल्ड इट द दोहरी डायर शाही इन यंग इंडिया। अब बच्चों आपके यहाँ दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो गांधी जी का पेपर ही पूछ लेंगे न्यूज पेपर तो आपको बताना होगा यंग इंडिया, और यंग इंडिया में इन्होंने निमोशना के अकॉर्डिंग क्या कहा था, तो इन्होंने इसको दोहरी डायर शाही कहा था। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि ये था हमारा राजस्थान के पीसेंट मूवमेंट जो हमने काफी हद तक पढ़ लिए हैं, और अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रजामंडल, जो हम लोग आगे इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आपको ये चीज जानना जरूरी है, तो किस तरह से ये पीसेंट्स मूवमेंट पूरे राजस्थान के अंदर बच्चों जनरेट हुए, जगह जगह पर कई सारे पीसेंट्स ने और ऑर्गेनाइज की असेंबलीज मीटिंग्स की और अपने डिमांड्स को जो है लोकल जो ठाकुर जो जागीरदार होते थे उनके सामने प्रेजेंट किया। कुछ पीसेंट्स मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहे जैसे कि बिजोलिया पीसेंट मूवमेंट, और कुछ मूवमेंट्स ऐसे थे लेकिन जिसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों बहुत ही अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रजामंडल, फॉर्मेशन ऑफ प्रजामंडल इन राजस्थान, राजस्थान में प्रजामंडल बनाए गए। अब इसके क्या एक बैकग्राउंड है बच्चों, हम जानेंगे प्रजामंडल क्या थे, क्यों बनाए गए, कैसे शुरुआत हुई और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका प्रजामंडल मूवमेंट्स। अब इसकी शुरुआत होती है 1927 से, जब देखें आप अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद वास फॉर्म।
हमारे इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, हर देसी रियासत के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए 1927 में नेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इस राज्य लोक परिषद, देसी राज्य लोक परिषद, तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि देसी राज का मतलब आपको पता है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 500 से भी ज्यादा देसी रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेट के छोटे बड़े रूलर हुआ करते थे, उस प्रिंसली स्टेट को ये लोग कंट्रोल करते थे। लेकिन साथ में आपको ये भी पता है कि इन प्रिंसली स्टेट के जो ये राजा महाराजा हुआ करते थे, ये जो जागीरदार है ना, ये जो ठाकुर हुआ करते थे, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि फेथ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। कुछ को अगर हम छोड़ दें, जैसे कि आप मेवाड़ रियासत को छोड़ दें, मेवाड़ इंडिया के इंडिपेंडेंस तक हमेशा फ्री रहा, ब्रिटिशर्स को कभी मेवाड़ रियासत ने सपोर्ट नहीं किया। और इसके अलावा बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग महाराणा प्रताप का पढ़ चुके हैं, तो कह सकते हैं कि पूरी इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये अकेला एक ऐसा वंश था मेवाड़ रियासत जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना, ठीक है। हाँ, हालांकि कभी कभी ऐसा हुआ भी है बच्चों की कुछ वीक रूलर्स हुए तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कभी इसने किसी की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया हो, लेकिन लॉन्ग टाइम तक मेवाड़ कभी किसी के अंडर में नहीं रहा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अलावा पूरी इंडिया में जहाँ जहाँ पर देसी रियासत थी, ठीक है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रजामंडल बनानी थी। तो इसीलिए सबसे पहले तो नेशनल लेवल पर ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, ठीक है। इसके अलावा देखिए 18 दिसंबर 1927 द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द दीवान बहादुर रामचंद्र राव इन द मुंबई। और इस अखिल भारतीय देसी लोक सेवा परिषद की फर्स्ट मीटिंग 18 दिसंबर 1927 को मुंबई के अंदर की गई, जिसमें इसके कुछ एजेंडा जो थे वो डिसाइड किए गए और राजस्थान से इसमें 7 मेंबर जो है वो नॉमिनेट हुए। अब ये 7 मेंबर्स जो थे बच्चों, इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ फेमस जो लीडर्स हैं जिनको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 7 मेंबर में देखें बच्चों, नैनूराम शर्मा थे, इसके अलावा शंकरलाल शर्मा, जय नारायण व्यास, और इसके अलावा रामदेव पोतार, बालकिशन पोतार, त्रिलोक चंद्र माथुर और विजय सिंह पथिक, इनको इलेक्ट किया गया था राजस्थान की तरफ से। और इसका जो वाइस प्रेसिडेंट था वो था राम नारायण चौधरी, जिसको प्रोविंशियल सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान एंड सेंट्रल इंडिया की पोस्ट दी गई थी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि राम नारायण चौधरी जो थे वो इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या थे, सेंट्रल और राजस्थान के सेक्रेटरी बनाए गए। और द मेजर ऑब्जेक्टिव इज फॉर्मेशन ऑफ दिस एसोसिएशन वाज टू एस्टैब्लिश अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रिंसली स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर रूलर्स थ्रू द लीगल एंड द पीसफुल वे। तो इस तरह से बच्चों कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से सारे प्रिंसली स्टेट के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी थी, जो कौन लीड करेगा, वहाँ के प्रिंसली रूलर जो थे, जो रियासतों के राजा महाराजा थे, उनके अंडर में ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बननी थी। तो यही सिस्टम या यही जो कह सकते हैं कि मूवमेंट प्रजामंडल मूवमेंट के नाम से जाना है। तो अब बात करने में ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब ये प्रजामंडल मूवमेंट का मेन एम क्या था, तो ये बच्चों आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका एक छोटा सा टॉपिक बन जाता है, एस्टैब्लिश अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रिंसली स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ द रूलर्स थ्रू द लीगल एंड पीसफुल वे। अब देखिए बच्चों, हर रियासत का एक राजा है, राजा नहीं चाहते थे कि उनकी सोवरेनिटी जो है वो खत्म हो या उसके ऊपर कोई और ऑलरेडी आपको पता है कि ब्रिटिशर्स से भी सारी रियासतें बहुत परेशान थी। तो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट के जो भी रूलर्स थे उनकी लीडरशिप में हर रियासत के अंदर प्रजामंडल या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का डिसीजन लिया गया, ठीक है। और देखिए आप 1938 हरिपुरा समिट, ये बच्चों आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कर देना, हरिपुरा समिट के बारे में पूछा जाता है, कब हुआ था, 1938 के अंदर कांग्रेस ने हरिपुरा के अंदर एक समिट किया था प्रजामंडल पर सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज द प्रिंसेस के। 1938 में इस हरिपुरा समिट के अंदर कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट किया कि राजस्थान के अलावा इंडिया
इंडिया में जितने भी प्रिंसिपल स्टेट हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी और यही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उस रियासत को गवर्न करेगी। ब्रिटिशर्स किसी भी हालत में इन देसी रियासतों को कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई टू एस्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल अवेयरनेस इन द प्रिंसली स्टेट। तो कह सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट के अंदर मतलब रियासतों की जो जनता थी उनके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, पॉलिटिक्स से जोड़ने के लिए, राजनीति से जोड़ने के लिए प्रजामंडल बनाए गए थे। और आपको ये भी बता दें कि सबसे पहला जो प्रजामंडल था वो बना था जयपुर के अंदर, जिसको जयपुर प्रजामंडल कहा गया। 1931 के अंदर जयपुर में ये प्रजामंडल बना, जिसके लीडर जमुना लाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी थे। फिर सेकेंड जो मूवमेंट बना प्रजामंडल बना वो बना बच्चों आपके बूंदी के अंदर, ये भी 1931 के अंदर बना। और इसके जो लीडर थे वो थे कांतिलाल। इस तरह से हाड़ौती प्रजामंडल 34 में, जिसके लीडर नैनूराम शर्मा थे। फिर बना मारवाड़ प्रजामंडल 1934 के अंदर, जिसके लीडर जयनारायण व्यास थे। सिरोही के अंदर भी बना। इसी तरह से बच्चों लगभग पूरे राजस्थान में जितनी भी देसी रियासतें थी उनको मिलाकर कम से कम 20 प्रजामंडल्स बनाए गए, अलग अलग टाइम में बने। तो ये कह सकते हैं कि प्रजामंडल मूवमेंट 1941 से लेकर 1946 तक 20 प्रजामंडल्स। तो 1931 से ही प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 46 तक पूरे राजस्थान में जितनी भी देसी रियासत थी वहां पर ये प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट किया गया, प्रजामंडल्स बनाए गए। और इस तरह से 31 से 46 तक पूरे राजस्थान में 20 प्रजामंडल बनकर तैयार हुए। और इन प्रजामंडल का मेन एम था कि हर रियासत के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना, ठीक है। और यही गवर्नमेंट आगे जाके उस रियासत को गवर्न करेगी, रियासत को चलाएगी। तो इंडिपेंडेंट तक चलने वाला ये मूवमेंट था। और इस तरह से आपको भी पता है बच्चों कि 1947 के अंदर ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, इंडिया को फ्रीडम मिल गया, कंट्री दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ये था बच्चों हमारा एक बहुत ही लंबा सफर, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। हमने जो स्टडी शुरू की बच्चों इस चैप्टर में, हमने स्टार्ट किया 1600 AD से पढ़ना और हम पहुंच गए 1947 टिल इंडिपेंडेंस। तो सोचिए बच्चों कितना लंबा जो सफर था इस चैप्टर में हमने तय किया इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में जाना। तो ये आपका चैप्टर थर्ड जो था आज होता है कंप्लीट। और कल की क्लास में एक नए सब्जेक्ट, एक नया टॉपिक हम लोग लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।